इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना, ताकि किसी का भी कमेंट रह गया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता देना कि अगली बार आप लोग का कमेंट उठा के उस वीडियो में ले लिया जाए। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, और जिसके कमेंट मैं नहीं ले पाई उसके लिए सॉरी, लेकिन आप लोग कमेंट कर देना और इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि आपको पता चल जाए कि किसका कमेंट पढ़ा है मैंने और किसका नहीं पढ़ा है। और जिसका नहीं पढ़ा है आप लोग कमेंट करके बता देना कि दीदी हमारा कमेंट रह गया, आपने हमारा कमेंट क्यों नहीं पढ़ा। स्क्रिप्टेड लाइफ करके इनकी आईडी है। जय माता दी साक्षी एंड अजितेश वालों ने वैसी कोई केयर मेरी नहीं की थी, बल्कि वो तो उन दिनों मुझे हद से ज़्यादा परेशान कर रहे थे, मतलब विवाह हो गया। तो चार पूड़ी आपकी शादी में खाने आते हैं वो समाज के चार लोग, और जब आपकी शादी में कोई दिखता है कि एकदम क्या बोलूँ मैं पहाड़ फाड़ने वाला गुस्सा आता है, और फिर एकदम से नॉर्मल भी हो जाता है। देखते रहिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए। एक आदित्य ठाकुर भाई हैं, कह रहे हैं मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मैं उनको इसी तरह से धोवाऊं। देखिए मैं तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जिए और जीने दें। तो पहले तो आप लोग मेरी तारीफ़ कर दीजिए, मतलब कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए कि मैं कैसी लग रही हूँ। और ये सवाल मतलब उन लोगों से है जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, ठीक है। तो आज जो आप लोग इतना कीमती वक्त निकाल के हमारी वीडियोस देखते हैं, उन पर कमेंट करते हैं पॉजिटिव और ब्लेसिंग्स देते हैं इतनी अच्छी अच्छी तो बहुत लोग की शिकायत थी कि दीदी यार आप हमारे कमेंट की रिप्लाई क्यों नहीं करते हो, मैम आप हमारे कमेंट की रिप्लाई क्यों नहीं करते हो। तो ऐसा नहीं है, मैं कमेंट निकालती रहती हूँ और फिर वीडियो के थ्रू मैं आप लोग का रिप्लाई करती हूँ। बाकी जो नेगेटिव कमेंट्स हैं उनको तो बस रोस्ट कर देती हूँ मैं, जो कि आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा आई होप, मतलब एज अ फनी वे में ले लिया करिए उन वीडियोस को। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए हम पहला कमेंट पढ़ने जाते हैं। पहला कमेंट है अपर्णा की दुनिया। साक्षी जब वीवो हुआ था, माँ की और बच्चे की एक अलग से केयर करनी होती है, जैसे आपको मेवा वाला मसाला बना के देना, ताकत के लिए बच्चे की मालिश दिन में 2 से 3 बार कैसे और क्या किया था। तो अपर्णा मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि मेवे के पकवान मुझे बना के दिए गए हों। जो मतलब खाने वाने का जो भी चीज़ थी, नॉर्मल खाना खाती थी मैं, वो भी अजितेश मुझे बना के देते थे, दलिया एंड ऑल। वरना मेरे इन लॉज ने ये जंजीरा कह रही हूँ, हरीरा वगैरह जो होता है, पंजीरी, ये सब मुझे कुछ बना के नहीं दिया था। लेकिन मेरी एक आंटी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी वीडियो में, उन्होंने मुझे हरीरा बना के भेजा था, और मेरी एक फ्रेंड है उसने मुझे लड्डू बना के भेजे थे मेवे के, तो मैंने वही खाए थे। वरना अजितेश के घर वालों ने वैसी कोई केयर मेरी नहीं की थी, बल्कि वो तो उन दिनों मुझे हद से ज़्यादा परेशान कर रहे थे, मतलब विवाह हो गया था उसके बाद तक वो लोग मुझे परेशान कर रहे थे। उन्हें ये शर्म नहीं आ रही थी कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, मेरे टांके तक नहीं कटे, लेकिन वो लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। कोई बात नहीं, अब तो मेरे सामने पढ़ने में भी उन्हें दिक्कत होती है, क्योंकि उन्हें पता है मैं तो एक दहाड़ मारूंगी, उल्टे पैर भागेंगे दूर। तो और रही मालिश की बात, तो हमारे यहाँ नीचे जो काम वाली आंटी आती थी उनसे ही मैंने 15 से 20 दिन मालिश करवाई थी विवान की। फिर मैंने देख लिया था कि वो कैसे मालिश करती हैं, फिर मैंने खुद विवान की मालिश की, मतलब 3-4 बार तो नहीं करती थी, लेकिन 2 टाइम करती थी विवान की मालिश, एक बार दिन में उसको नहलाने से पहले और एक बार शाम को, ताकि वो आराम से सो जाए रात में, लेकिन नहीं सोता था विवान, पूरी रात जागता था। दूसरा कमेंट है देशरी राव मैम का है, देशरी राव एंड ब्लॉग्स करके है इनकी आईडी। साक्षी मैं तुम्हारे सारे ब्लॉग देखती हूँ लेकिन कमेंट कभी नहीं करती, मुझे समझ नहीं आता मैं तुमसे प्यार करती हूँ या तुम कहाँ से नफरत करती हो, लेकिन जो भी है तुम लोग बहुत अच्छे हो। तो थैंक यू सो मच। और ज़रूरी नहीं है कि आप कमेंट करेंगी तभी आप हमें प्यार दे पाएंगी, तभी आप हमें ब्लेसिंग्स दे पाएंगी। आप हमारे ब्लॉग्स देखती हैं ना, वही हमारे लिए बहुत है। आप अपना एक कीमती समय निकाल के हमारे ब्लॉग्स को देती हैं, वही हमारे लिए बहुत है। और ऐसे ही हमारे ब्लॉग्स देखते रहिए और ऐसे ही हमें ब्लेसिंग्स देते रहिए, थैंक यू सो मच मैम। तो तीसरा कमेंट है अनस्क्रिप्टेड लाइफ करके इनकी आईडी है। जय माता दी साक्षी एंड अजितेश, आपको देख के बहुत अच्छा लगता है, आप खुश रहा करो। दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत बुरे लोग भी हैं, जो अपने घर के तमाशे संभाल नहीं पाते उस बात का फ्रस्ट्रेशन दूसरों के लिए उल्टा सीधा बोलकर निकालते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनके घर में बहू बेटियों की ज़िंदगी बाहर अपने सपनों
का गला घोट के जीती हैं। माता रानी कृपा बनाए रखे, लव यू फॉर विवान। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम सर जो भी हैं आप। और आपने बिल्कुल सच कहा है कि जो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ये लोग वही होते हैं जो अपनी खुद की लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और हमारे कमेंट सेक्शन में आके ज्ञान देते हैं, क्योंकि इनके घर में इनकी तो सुनी नहीं जाती है, इसलिए बेचारे कहाँ पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालें, तो किसी ब्लॉगर को पकड़ लेते हैं और उसके ब्लॉगर मतलब उसके कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करते हैं। और हम ही ऐसे ब्लॉगर नहीं हैं जिनको नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, काफ़ी ब्लॉगर्स हैं, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तक को लोग इतना गंदा गंदा बोल देते हैं, लेकिन वो हाथी हैं, वो आराम से चलते रहते हैं धीरे धीरे। लेकिन अभी हम छोटे लेवल पे हैं तो हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को इग्नोर करने की, लेकिन जब ज़्यादा चीज़ें ओवर होती हैं और जहाँ नेगेटिव वालों की एक डीपी मिल जाती है तो रोस्ट करने में और ज़्यादा मज़ा आ जाता है, क्योंकि वो बॉडी शेमिंग करते हैं, गंदा बोलते हैं, तो मतलब उनकी भी शक्ल देखना बनती है ना कि आप जिस पर बॉडी शेमिंग कर रहे हैं तो आप कैसे हैं दिखने में। तो बाकी मैम आप हमें ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते रहिए, आप हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए, थैंक यू। चौथा कमेंट है ज्योति कुमारी हैं, दीदी आप बिल्कुल सही हो, ऐसे ही रहना, आपको देखकर हिम्मत मिलती है। हम जैसे लोग जो अरेंज मैरिज करके रो रहे हैं, टॉर्चर सह रहे हैं, कोई साथ देने वाला नहीं है, आप बहुत सही हो, ये दुनिया ही ऐसी है, किसी को चैन से नहीं जीने देती। तो ज्योति कुमारी पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगी और मैं आपको भी एक चीज़ बोलूँगी कि देखो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हिम्मत आपको अगर मुझसे मिल रही है तो अच्छी बात है, आप भी स्ट्रांग बने रहना और गलत बिल्कुल सहन मत करो। मतलब देखो हर घर में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होता है, चार बर्तन होते हैं तो ऑब्वियसली बातें खटकते हैं, लेकिन जहां आपको लगे कि अत्याचार हो रहा है आपके ऊपर, चीज़ें ओवर हो रही हैं, वहां पर अपनी आवाज़ उठाओ, क्योंकि ना ये समाज आपको चार रोटी देने आता है, जब आपकी शादी होती है अरेंज मैरिज वालों के लिए, जब आपकी शादी होती है तो चार पूड़ी आपकी शादी में खाने आते हैं वो समाज के चार लोग, और जब आपकी शादी में कोई दिक्कतें आती हैं तो आप अपने माँ बाप को बताते हो, तो माँ बाप उन्हीं चार लोगों के समाज, जो चार लोग होते हैं समाज के, उन्हीं का वो देकर कि हवाला देकर कि समाज के चार लोग क्या सोचेंगे, वो कुछ नहीं सोचते हैं, उनका कोई काम नहीं है, आप अच्छा करोगे तब भी बकवास करेंगे, आप कुछ गलत के खिलाफ आवाज़ उठाओगे तब भी बकवास करेंगे, आप चार दीवारी के अंदर पिटोगे, अत्याचार सहन करोगे तो आप अच्छे हो। तो बेटर है कि आपको एक लाइफ मिली है तो अत्याचार पर आवाज़ उठाओ, और ज़्यादा चीज़ें ओवर हो, आपको लगे कि आप पर ज़्यादा अत्याचार हो रहा है तो उस चीज़ का विरोध करिए। थैंक यू सो मच ज्योति, बाकी हमारे यूं ही ब्लॉग देखते रहिए और यूं ही आपको हिम्मत मिलती रहे, भगवान करे, गॉड ब्लेस यू। प्रीति तिवारी हैं, आपकी सास को टीचिंग जॉब कैसे मिली फिर? तो प्रीति तिवारी मैम मैं आपको बता दूं कि जो मेरी मदर इन लॉ थी उनको टीचिंग की जॉब जो मेरे ग्रैंड फादर इन लॉ हैं, मींस मेरे जो ददिया सास हैं, ददिया ससुर हैं, वो बहुत अच्छे हैं और बहुत एजुकेटेड हैं वो, नो डाउट, लेकिन अब तो वो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, मतलब उनको इवन आपने हमारे ब्लॉग्स में भी देखा होगा, काफ़ी उनको हमें बाहर बैठे हुए मिल जाते हैं तो हम उनकी वीडियो शूट कर लेते हैं, अजितेश उनसे बात कर लेते हैं, वरना उनको कोई मतलब नहीं है कि कौन लड़ रहा है, कौन झगड़ रहा है, कौन क्या है, वो बहुत सीधे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब जो क्या कहते हैं अजितेश की दादी का नेचर होना चाहिए था वो अजितेश के बाबा का नेचर है, उल्टा हो गया है यहाँ पर चीज़ें, और जो बाबा का नेचर होना चाहिए था वो अजितेश की दादी का नेचर है। तो उन्होंने ही मेरी सास को पढ़ाया, मतलब उन्होंने ही अपनी बहू को पढ़ाया और उन्होंने ही उनको टीचर बनाया, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे तो उनका मानना था कि मेरी बहू भी पढ़े और मेरी बहू भी क्या कहते हैं टीचर बने, लेकिन मेरे सो कॉल्ड ससुर ऐसे बिल्कुल नहीं है। स्टोरी स्ट्रैम करके हैं एक, आप लोग हमेशा खुश रहें, आप लोग हार ना माने, ये ज़िंदगी है, समय परिवर्तन होता है, आने वाला समय अच्छा ही आएगा, हम सब यूट्यूब फैमिली आपके साथ हैं। तो थैंक यू सो मच सर मैम आप जो भी हैं, थैंक यू सो मच कि आप इतना पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं और इतना मोटिवेट कर रहे हैं कमेंट के थ्रू हमें, और हमें पता है कि हमारी यूट्यूब फैमिली हमारे साथ है, तभी हम रोज़ आप लोगों से अपनी दिनचर्या बताने आ जाते हैं और हम हमारी जीवन में जो भी समस्या होती है उसको हम आप ही लोगों से शेयर कर पाते हैं, वरना हमारी कोई नहीं सुनने वाला, सिर्फ हमारी एक यूट्यूब फैमिली है जो हमारी बात सुनती है और समझती है। एक मोटिवेशन करके इनकी आईडी है 698, इतनी प्यारी फैमिली है, ईश्वर आप तीनों को हमेशा खुश रखे, और सिस्टर हो सके तो सबको माफ़ कर देना, अजितेश भाई बहुत सरल हैं आप, थैंक यू सो मच। और आप जैसे लोग ही हैं जो हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, जो हमारे लिए प्रे कर रहे हैं, तो हम आगे बढ़ रहे हैं,
चीज़ों को क्या कहते हैं फेस करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको फेस करके निकलते हैं। और इन्होंने कहा है कि सिस्टर हो सके तो सबको माफ़ कर देना, मेरी किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, नाराज़गी तो अपनों से होती है, यहाँ कोई अपना नहीं है, मतलब ये अजितेश के घर वालों के लिए वो मेरे अपने नहीं है, ठीक है। तो जिनसे मेरे जो मेरे अपने हैं वो मुझसे नाराज़ हैं, तो हो सकता है वो मुझे एक दिन माफ़ कर दें, मैं किसी को माफ़ नहीं करने वाली, मतलब मेरी किसी से नाराज़गी नहीं है कि मैं किसी को माफ़ करूँ। बाकी अजितेश बहुत भाई सरल हैं, बिल्कुल अजितेश बहुत सरल है, मैं थोड़ा मुँहफट हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा गुस्से वाली हूँ, लेकिन अजितेश के साथ ऐसा नहीं है। अजितेश बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, उनको गुस्सा आता है तो एकदम महादेव वाला गुस्सा आता है कि एकदम क्या बोलूँ मैं पहाड़ फाड़ने वाला गुस्सा आता है, और फिर एकदम से नॉर्मल भी हो जाते हैं वो। प्राउडली है एक गलत कमेंट करने वालों के लिए 2016 में बीजेपी गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया है, कुछ करना भी नहीं, बस एक कंप्लेंट लेटर पुलिस थाना और सीओ और एसपी और डीएम और दिव्यांग कमिश्नर को लिखें, कमिश्नर को ईमेल भी कर सकते हैं, फिर भी नहीं सुनवाई हो रही है तो रिलेटेड विभाग HWD को लिखें। थैंक यू सो मच, आपने हमें ये जानकारी दी, हमें ये जानकारी नहीं थी। और देखिए मैं आपको बताती हूँ सर कि गलत कमेंट करने वालों को हम कभी नहीं रोक सकते, एक के खिलाफ कंप्लेंट करेंगे तो दूसरा ऑलरेडी पैदा हो जाएगा, दूसरे के खिलाफ कंप्लेंट करेंगे तो तीसरा ऑलरेडी पैदा हो जाएगा। और ये गलत कमेंट करने वाले हर किसी के जीवन में होते हैं, चाहे कोई इंसान सोशल मीडिया पे हो या ना हो, चाहे इंसान, जैसे मैं अपने फादर का यहाँ पर एग्जांपल दूंगी कि जब मेरे पिताजी सोशल मीडिया भी यूज़ नहीं करते थे, सोशल मीडिया पे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उनको कोई गलत कमेंट कर दे, लेकिन जब मेरे पिताजी सोशल मीडिया भी यूज़ नहीं करते थे, कर रहे थे, अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे और मतलब लड़ रहे थे एक बहुत बड़ी लड़ाई, तो उस टाइम पे ऐसे ऐसे लोग निकल के आ रहे थे जो ऐसी ऐसी बातें बनाते थे कि गुस्सा आता था कि यार इनका मुंह पकड़ के पीट दो इन्हें कि तुम क्यों बकवास कर रहे हो, वो वाली चीज़। तो ऐसे लोग हर किसी के जीवन में होते हैं, तो ऐसे लोगों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए वो। और आप लोग को लग रहा होगा कि मैं वीडियो बनाती हूँ उनके लिए तो मुझे फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं है। मुझे हर यूट्यूब क्या कहते हैं हर यूट्यूबर अपने कमेंट सेक्शन की वीडियो बनाता है तो पॉजिटिव भी कमेंट लेता है और नेगेटिव भी कमेंट लेता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव कमेंट वालों का भी योगदान रहता है, वो भी अपना कीमती समय निकाल कर हमारी वीडियो देखते हैं, हमें पसंद नहीं करते हैं फिर भी वो हमारी वीडियो देखते हैं, असली फैन तो वो हैं, और जो पॉजिटिव कमेंट करते हैं वो हमारी फैमिली हैं। एक निपुण मैम है, साक्षी यू हैव बिग हर्ट फॉर अदर्स, सैल्यूट बोथ ऑफ यू, सच अ नाइस गाइस, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप हमें प्यार देते रहिए, ऐसे ही आप हमारे ब्लॉग देखते रहिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए। एक आदित्य ठाकुर भाई हैं, कह रहे हैं ऐसे ठाकुर समाज को और गिरा रहे हैं, हमारी जाति में औरतों की इज्जत की जाती है, मान सम्मान दिया जाता है, आप एक ऐसे इंसान से पूरी ठाकुर बिरादरी को गलत मत समझना। बिल्कुल आदित्य भाई, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मैं किसी की कास्ट देखकर उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, मैं इंसान को देखकर उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, इंसान का बिहेवियर देखकर रिस्पेक्ट करती हूँ। और जैसे एग्जांपल, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण लोग ही मुझे सिर्फ गलत बोलते हैं, हर जाति के लोग मुझे गलत बोलते हैं, ब्राह्मण लोग मुझे अच्छा भी बोलते हैं, ठाकुर लोग मुझे अच्छा भी बोलते हैं, गंगवार लोग मुझे अच्छा भी बोलते हैं, मुस्लिम भाई बहन मुझे अच्छा भी बोलते हैं, तो और सब कास्ट के लोग हैं जो मुझे बुरा भी बोलते हैं, तो मैं मतलब एज अ कास्ट किसी को जज नहीं कर सकती कि ये उस कास्ट का बंदा है इसलिए मुझे गलत बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो इंसान गलत बोलता है उसकी गंदी सोच होती है, उसकी छोटी सोच होती है, गंदे नाली के डैश 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 होते हैं वो, इसलिए वो बकवास करते हैं। और आदित्य भाई डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि वो मुझे पता है आपका ये कमेंट वो सर्वेश शायद सवेंद्र वाली वीडियो पे है, मुझे पता है जो आप जैसे भाई लोग होते हैं वो कभी किसी लेडी को गलत नहीं बोलते और कभी किसी लेडी की बेइज्जती नहीं करते, हमें पता है कि आप लोग अच्छे से मान सम्मान देते हैं। क्यूट शॉर्ट स्टोरी करके हैं, आपके वीडियो देखकर मेरा भी खून खौल रहा है, जो लोग मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हैं मैं उनको इसी तरह से धोवाऊँ। देखिए मैं तो जो करती हूँ यूट्यूब पर करती हूँ, मैं तो वीडियो बनाती हूँ और वीडियो के थ्रू उनका जवाब देती हूँ, और अगर आप सोशल मीडिया मतलब आप यूट्यूब पर देख रही हैं या फिर आपको यूट्यूब पर कमेंट आते हैं तो आप बिल्कुल धो सकती हैं उन्हें, लेकिन आप क्या चाहो तो मतलब आपका कहना है कि धोवाऊँ, मतलब वैसे फिजिकली किसी को वो मत करना, मारना पीटना मत, क्योंकि आपको पता है कि इन फ्यूचर में ये पुलिस केस वगैरह हो सकते हैं, उसका रूप दे सकते हैं, तो इग्नोर करिए ज़्यादा बेटर है मैम। सरोज टेक्निकल करके एक भाई हैं, वो कमेंट कर रहे हैं ब्रेव गर्ल,
तो थैंक यू सो मच, मैं ब्रेव तो सच में बहुत हूँ और ये सिर्फ आप लोगों की वजह से है, मेरी यूट्यूब फैमिली की वजह से है कि मैं आज स्ट्रांग बनी हुई हूँ और मैं इतनी ब्रेव हूँ और बिल्कुल हिम्मत नहीं हारती मैं और ना ही कभी हारूँगी जब तक आप लोग मेरे साथ हैं।